पाक विदेश मंत्री ने मोदी को बताया आतंकी, आरएसएस को आतंकवादी पार्टी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री के बयान के बाद पाकिस्तान लगातार प्रतिक्रिया दे रहा है। इस बीच वहां के विदेश मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। पाकिस्तान में बात करते हुए उन्होंने नरेंद्र मोदी को आतंकवादी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को आतंकवादी पार्टी बताया है। पत्रकार हामिद मीर से बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, सुषमा स्वराज ने हम पर टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का आरोप लगाया, लेकिन एक टेररिस्ट उनका वजीर ए आजम है जिसके हाथ गुजरात में मुसलमानों के कत्लेआम से रंगे हुए हैं। एक टेररिस्ट पार्टी उनको रूल कर रही है। आरएसएस बीजेपी उनका अनुठानिक संगठन है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 72वें वार्षिक बैठक में को संबोधित करते हुए विदेशी मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा था कि पाकिस्तान ने दुनिया को आतंकी दिए हैं, जबकि भारत ने उच्च स्तर के डॉक्टर और इंजीनियर दिए हैं। अपने भाषण से सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए कहा कि आज दुनिया में भारत की पहचान आईटी महाशक्ति के रूप में है, लेकिन पाकिस्तान दुनिया में आतंकवादियों के निर्यात के रूप में जाना जाता है। सुषमा ने कहर मौत और अमानवीयता का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक कहा था। इसके बाद से पाकिस्तान लगातार प्रतिक्रिया दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की स्थायी प्रतिनिधि मलिहा लोधी मैदुरी राय के एक कथन को हवाला देते हुए कहा, भारत की हवा में इस समय जो चीजें सबसे अधिक है वह है युद्ध, आतंक कश्मीर में और अन्य स्थानों पर भी। मलिहा ने भारतीय धर्म निरपेक्षवादी के एक वर्ग के कथनों को भी सहारा लिया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को फांसीवादी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धर्मांत करार देते हैं।